डॉक्टर अल्लामा ताहिर कादरी की अज़मत को सलाम, उन्होंने ऐसी तरबियत कर दी जैसे मेरे नबी ने तरबियत की थी हज़रत साहब अकरम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम की, कि मजाले को गीबत करे। डॉक्टर ताहिर कादरी साहब की जमात का कोई बंदा गीबत नहीं करता जैसे मेरे नबी ने तरबियत की थी। डॉक्टर कादरी साहब ने भी ऐसी तरबियत की है कोई इनका बंदा गाली नहीं देता जिसे मेरे नबी ने तरबियत फरमाई, ऐसे इन्होंने डॉक्टर ताहिर कादरी साहब ने वो कर दी। किसी से नफरत नहीं करते, खुला जर्फ है, वसीओ जर्फ लोग हैं, बर्दाश्त करते हैं, ये गाली नहीं देते, ये गीबत नहीं करते, बोता नहीं करते, ये सलाम उनकी अजमत को जिसने उसकी तरबियत की। यही मुआशरा तरबियत के काबिल था कि इन्होंने जो अपने हिस्से की तरबियत की, आइए हम भी रोल अदा करें। आप लाख इख्तलाफ करें, आप उनके नजरियात से इख्तलाफ करें, उनके काम से इख्तलाफ करें, उनके नैब से इख्तलाफ करें, उनकी सियासत से इख्तलाफ करें, लेकिन उनकी तरबियत पर कोई इख्तलाफ नहीं कर सकते। उन्होंने कैसा तबका पैदा किया है वो खुद देखें। वो ऐसी क्वालिटी के मालिक है कि आज तक बगैर वुजू के बाहर नहीं निकलता। वो ऐसी क्वालिटी का मालिक है कि उसने आज तक एक मिनट ज़ाया नहीं किया। वो ऐसी क्वालिटी के मालिक है कि आज तक उसने तहज्जुद नहीं छोड़ा। वो ऐसी क्वालिटी का मालिक है कि जो सैकड़ों लोग इकट्ठे होकर किताबें लिख सकते थे, वो अकेले अपने तनहा सैकड़ों किताबें लिख दी है। हर तबके के लिए, उम्मत के हर तबके के लिए उसने रहनुमाई की है। और एक ऐसी पलटून, एक ऐसी जमात और एक पूरा सिलसिला ऐसा तैयार कर दिया है कि शायद रहती दुनिया का काम करे, पूरी दुनिया में उनकी जमात की शाखें हैं। आप उनको गाली देना चाहे दे सकते हैं, उनकी गिबत करना चाहे कर सकते हैं, उनके नजरियात से इख्तलाफ करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में उनके ऐसा काम आप नहीं कर सकते। तो मेरे दीदो आइए हम देवबंदी भी आगे बढ़े कि मुस्बत काम करें। उन्होंने मनफी लैंड पर नहीं चढ़ने दिया। सियासत उनकी सियासत से इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन अपने कारकुनों को, अपने मुतालिकीन को, अपने मुतवस्सिरीन को मनफी लैंड पर नहीं चलने दिया। पूरी दुनिया में आज उनको सलाम किया जाता है, लोग उनकी अजमत के गुण गाते हैं। पूरी दुनिया में 500 बंदों की लिस्ट बनती है तो उनमें डॉक्टर पाकिस्तान के, ये भी फखर है हमारे लिए, डॉक्टर अल्लामा ताहिर कादरी साहब का भी उनमें नाम है। 500 बड़ी अजीम शख्सियात क्यों मौजूद है, उन जैसी सिफात अपने, उन जैसी खसूसियात अपने। तो आइए हजरत डॉक्टर ताहिर कादरी साहब की नहज पर हम भी चलें कि तामीरी सोच मुंतकिल कर रहा है, तरबियत कर रहा है, इस्लाह कर रहा है और बंदा अल्लाह अल्लाह के रसूल से जोड़ने वाला है। हम तोड़ने का जरिया बन रहे, गीबत तोड़ने का जरिया है, गाली तोड़ने का जरिया है, नफरत तोड़ने का जरिया है, हम तोड़ने के जरिए अपना रहे हैं और डॉक्टर ताहिर कादरी साहब खुद भी और उनकी जमात जोड़ने का अपना रहे हैं। तो आइए मेरे दीदो, मेरे नबी की सुन्नत की असील मन कतक वाफो मन दलमत नासिंदा मन हसाया, जो तोड़े उससे जोड़ो, जो बुराई करो उसे अच्छाई करो, जो जुल्म करो उसे माफ करो। ये ताहिर कादरी साहब अपनी जमात को ये तबीयत दे रहे हैं, इस्लाह कर रहे हैं, ये तामीरी सोच है। उनका मुकाबला करना है तो बावजूद रहे, उनका मुकाबला करना है तो ऐसी किताबें लिखे उम्मत के फायदे के लिए, उनका मुकाबला करना है तो ऐसे लिल्ला पिल्ला वक्त कर दे अपने आप को, उनका मुकाबला करना है तो सैकड़ों किताबें लिखे, उनका मुकाबला करना है तो ऐसी जमात बना दे, उनका मुकाबला करना है तो दुश्मन के लिए भी आंखें पलके भी छाते हैं बड़ा जख्म लेकर, उनको गालियां देने वालों के लिए वो दुआ देते हैं। तो आइए हम भी वही सिफात अपने, ये सिफात मेरे नबी की थी, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की, तरबियत याफ्ता मुआशरा पूरी दुनिया में छा गया। और इसी तरह डॉक्टर ताहिर कादरी साहब की तरबियत करके पूरी उम्मत परेशान कर रहे हैं, सलाम उनकी अजमत को। आइए डॉक्टर ताहिर कादरी साहब की लाख इख्तलाफ करें, आप उनकी अजमत को सलाम करें और उन्हीं की तरह तरबियत करें, उन्हीं जैसा किरदार अदा करें। अल्लाह हम सबको ऐसी कबूलियत अदा